अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं पिछला पंचायत कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक नंबर वार्ड बड़ारो ऋषिपाड़ा एक नंबर वार्ड में। और यहां हम आपको बता दें कि अभी बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, वही चीज़ हम लोग जानने के लिए आए हैं कि लोगों के अंदर क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, और लोगों के पास नेता लोग आते हैं, मदद करते हैं या नहीं करते हैं, और चुनावी समीकरण क्या है। चचा मौजूद हैं, चचा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चचा आपका? हमारा नाम है जोगिंदर पुरियाल। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। अच्छा, क्या चल रहा है आप लोगों के, कैसा माहौल है? माहौल तो अभी हम लोग का यहाँ ठीक है, जो भी है। हाँ, नीतीश कुमार का है। अच्छा, जो भी है। हाँ। कोई आरजेडी में है। हाँ। कोई पतंग में है। हाँ। हम तो नीतीश में, हम लोग तो नीतीश में है। अच्छा। हाँ, नीतीश सरकार में विकास हुआ है? विकास हुआ है, आगे चल के कुछ हुआ है। अभी मान लीजिए जैसे कि बांध ब्रिज का पैसा हम लोग को नहीं मिला, और दूसरा चीज कीजिए, जहाँ हम माधुरी टोला है और ये ऋषि टोला है, यहाँ पर किसी विधायक का गाड़ी आज तक नहीं रुका है। नहीं रुका? नहीं। अच्छा। कोई भी, चाहे मुजाहिद मास्टर हो, चाहे आरजेडी सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, किसी का गाड़ी यहाँ आज तक नहीं रुका है। अभी जो कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ा तगड़ा बाढ़ आता है, महानंदा नदी पास में है। हाँ, तो ये गांव भी चपेट में आ जाता है। आ जाता है। तो ऐसे वक्त में कोई मदद करने के लिए आता है? कोई नहीं आई थी, कोई नहीं आई थी। अच्छा। ये कोई मतलब कि ये आदमी अगर मर रहे हैं तो किसी को अगर 2 किलो चावल दे दे या 2 रुपया दे दे, कोई मदद नहीं हुआ है। हाँ। सिर्फ 6,000 करके रुपया मिला था। हाँ। दो बार सैलाब में। हाँ, तो उसी बार ना 2017 में। अच्छा। वो बड़ा बांध जो आए थे उसमें 6,000 रुपया करके मिला था। अच्छा। उसके बाद ये जो बाढ़ आया तो वो भी सूखा घोषित हो गया किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। हाँ। इस बार भी सूखा घोषित हो गया है। और क्या कह रहे हैं कि इसमें कि वृद्धा पेंशन जो है तो 400 रुपया महीना मैंने मिलते हैं। अच्छा। हाँ, 400 रुपया महीना। तो आप जैसा कह रहे हैं कि भाई इतना पीड़ा, इतना दर्द हम लोगों के पास है, विधायक की गाड़ी यहाँ पर नहीं रुकती है, कोई आज तक आके देख के नहीं किया है, मदद नहीं किया है, फिर भी आप नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्या कारण है? नीतीश कुमार को ये कारण है कि ये मुजाहिद मास्टर तो कम से कम कोई इंसाफ होता है, कोई पंचायत होता है, उसको बुलाती है तो वो आती है। अच्छा। हाँ, वो आती हैं। वो मास्टर मुजाहिद को देख के आप लोग मतलब? हाँ हाँ हाँ, हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा। कि आज मान के चलिए कि कोई बात का झगड़ा झाटी अगर हो गया, अगर उसको खबर करते आती हैं, वो मिटा देती हैं झगड़ा झाटी। अच्छा अच्छा। इंसानी तौर पर अच्छे आदमी। हाँ, केस को आगे बढ़ाने नहीं देती हैं, वो अपना मिला जुला करके एकदम वो क्लियर कर देते हैं। अच्छा। तो अभी जिस तरह से बेरोजगारी, लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी, बिहार में इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव जो लालू यादव के लड़के हैं वो चुनावी मैदान में हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा है। उन्होंने एक बात कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो पहला कलम जो मेरा चलेगा वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि दे पाएंगे? तो सुनिए, अगर वो तो पहले तो दिया नहीं। हाँ, एक मिनट, पहले तो दिया नहीं, पहले तो ये सी बात अब कहाँ थे? हाँ, नहीं थे, उसका पिताजी थे। वो पिताजी थे ना? हाँ, सुनिए, लड़का तो अभी जब मैंने चोट पर आया है तो अभी हम 10 लाख आदमी को नौकरी देंगे। हाँ। है ना, अभी चोट पर आया है तो हम 10 लाख का आदमी को नौकरी देंगे। जब वो हार जाएगा तो किसी को नौकरी नहीं होगा, जीत जाएगा तभी देगा। जैसे कि राहुल गांधी बोला था कि 12 महीने में 72,000 रुपया हम मैंने कि सालाना देंगे, तो पहले उसके पहले क्या दिया था राहुल गांधी? उससे पहले क्या दिया था? ऐसे तो बोल दिया था कि हम 12 महीने में 72,000 रुपया दिए, उससे पहले राहुल गांधी क्या दिया था? ये तो इलेक्शन का सिर्फ वो लोग मान कीजिए सत्ता लेने के लिए वो लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं, बर्बाद किया है। एक ये चचा है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चचा? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम कहाँ करो? मोहम्मदपुर 6 नंबर वार्ड। जी, क्या आप लोगों के उधर का माहौल है इस बार? हमारे उधर ज़्यादा माहौल है ओवैसी साहब का। अच्छा। हाँ, ओवैसी साहब का। जी, सरकार तो बिहार में फिर या तो एनडीए गठबंधन बनाएगी या फिर महागठबंधन बनाएगी। हाँ, बनेगी सही। हाँ, मगर हमारे ओवैसी साहब का कहना है कि अगर 4 से 5 सीट लाते हैं। हाँ। तो सरकार से काम ले सकते हैं। अच्छा। सिर्फ हमको सरकार से काम लेना है, हमको सरकार बनना नहीं है। हाँ। ये भरोसा है कि ओवैसी साहब आएंगे तो काम काज बढ़िया होगा? हाँ, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। अच्छा। अभी एक विधायक उनके उपचुनाव में जीते थे किशनगंज में। हाँ। पता किए क्या कुछ किया? बहुत काम किया है वो। अच्छा। हाँ, वो बहुत काम किया है। अच्छा। एक साल में बहुत काम किया है किशनगंज में। जी, तो इस बार आप लोग ओवैसी साहब की तरफ हैं? जी। अच्छा, चलिए कुछ लोग और हैं उनसे जानते हैं।
बिहार में इस समय चुनाव दो चरण का चुनाव कंप्लीट है, ये तीसरा चरण का बाकी है और यही तय करेगा, यही तीसरा चरण तय करेगा कि भाई किसकी सरकार बिहार में बनेगी। यहाँ जो सीमांचल का एरिया है, कोचाधामन जो सीट है, इस पे त्रिकोणीय लड़ाई की ज़्यादा संभावना है। जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आरजेडी गठबंधन, एनडीए गठबंधन और आपका क्या कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसकी भी ज़मीन पे अच्छी पकड़ है। तो त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। चचा यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चचा? हरसानूलाल जी। हरसानूलाल? हरसानूलाल यहीं के हैं आप? हाँ, बरार के। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कुछ चल रहा है अभी आपके इधर? हमारे इधर देखिए बाबू, अभी तो इलेक्शन में सब कोई खड़ा है। हाँ। सब कोई अपना अपना ही करता है, लेकिन कौन किसको देगा? हमारा दिल में जो क्या है, किसका? हाँ। दिल में क्या है? हाँ। वो लोग सोचेगा। हाँ। नहीं, मुद्दा क्या होगा चाचा? क्या मुद्दा लेके आप वोट करने जाएंगे? जब वोट करने जाएंगे तो मन में तो एक सोच होगा ना कि भाई हम इसको अगर वोट करेंगे तो मेरा ये काम होगा, इसको वोट करेंगे तो ये काम होगा। एक मुद्दा तो होगा ना? हाँ, मुद्दा जरूर है कि हम लोग अगर काम देंगे तो हम लोग सीधे वो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, इसके अलावा किसी, चाहे हार जाए चाहे जो कुछ हो जाए। बीजेपी का तो कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास? बीजेपी के नहीं है तो ये चीज सब किसका है? जो जदयू का है ना? हाँ, जदयू का है। एनडीए गठबंधन में है। अच्छा, नीतीश कुमार के इसमें काम काज हुआ है? बढ़िया, बहुत काम हुआ है। अच्छा, काम हुआ है सब कुछ, जो भी देता है सब देता है, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग उसी को वोट देंगे। अभी लॉकडाउन में जिस तरह से लॉकडाउन लगा, प्रवासी मजदूर जिसको कहा जाता है, अपने ही घर के बच्चे अपने ही देश में काम करने गए हुए थे और उनको प्रवासी मजदूर बोल के कितनी दिक्कत, पैदल चल के आना पड़ा 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, कुछ तो मदद उदद हुआ ही नहीं उन लोगों को? अब उधर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो जिसको भी देखते हैं कि 5 किलो करके अनाज सबको दिया है, पैसा भी दिया है, जो भी देना था वो दिया ही है, कुछ तो बाकी नहीं है। अब मजदूर कहेगा कि हमको पैसा चाहिए तो अपना शोक, तो वो भी तो उसको कहा था कि आप रहिए, आपका गुजारा कर देंगे हम, तो कोई अपने मन से अगर चले जाएगा तो क्या करेगा उसको? हाँ? ये बात है नीतीश कुमार, इन लोगों का कहना है। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। अभी विधानसभा क्षेत्र के पिछला पंचायत के बरारो गांव से हमारे यहाँ ढलाई, जितना रेल रोड ढलाया हुआ, पानी टंकी दिया, बिजली दिया, नीतीश कुमार दिया है, क्या किया है? बाथरूम दिया, हर कुछ दे दिया है। हाँ। और क्या देगा? बकरी घर तक दे दिया। अच्छा, सबको रहने के घर दे दिया। हाँ। और क्या देगा? धीरे धीरे हर कुछ मिलता है। अच्छा, सोचने से एक दिन में कुछ नहीं होता है। आस्ते आस्ते हर कुछ होता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिसका अपना अपना मत है, लोग अपना अपना मत को दान करेंगे, जिसको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है, जिसको जिसकी सरकार अच्छी लगती है वो उस तरफ जाएंगे। एक भाई साहब, क्या नाम हो आपका? हम लोग भी नीतीश कुमार को चुने हैं। अच्छा, क्या नाम हो आपका? सफी अहमद नाम है। सफी अहमद, कहाँ घर हुआ जी? यहीं पर हम लोग कोचाधामन पड़ता है। अच्छा, इसी वार्ड है। हम लोग जो विकास किया भाई बिहार में, वो लालटेन चौक नहीं है अभी, ठीक है, जो विकास किया हम लोग पब्लिक उसी को चाहते हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, बेरोजगारी कितनी है मालूम है बिहार में? हाँ, बेरोजगारी का समस्या तो है, तो क्या लीजिएगा देश में, तो अब पढ़े लिखे लोग होकर के आप आदमी तो ये काम करना नहीं चाहता, सोचता कि अच्छा ही काम करें। अच्छा काम तो होता नहीं, सरकार को जितना होता है उतना ही कराता है। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं विकास, क्या विकास हुआ है? विकास हो रहा ना, जो रोड घाट हुआ, बिजली बत्ती हुआ, जो भी हुआ, पहले के जमाने से बहुत अच्छा विकास हुआ है ना। अभी कुछ दिन पहले आपके पास में यह महानंदा नदी है, हर साल बाढ़ आती है, जहाँ तक हुआ बहुत तगड़ी बाढ़ आती है। ये आपका बरारो जो हाईवे से इस तरफ है, सारे गांव ही चपेट में आते हैं। हाँ, चपेट और चपेट में आने के बाद लोगों के घर मकान कट जाते हैं, कट जाता है, अभी भी कटा हुआ पड़ा हुआ। सरकार के पास जितना व्यवस्था होता है उतना करता है, क्योंकि सरकार के पास इतना व्यवस्था नहीं है ना कि पब्लिक को हर कोई तो खुश रख सकेगा, नहीं सकेगा हर कोई तो खुश नहीं, हर कोई को सरकार खुश नहीं रख सकता है। हम लोग तो ज्यादातर चाहते हैं कि जो विकास किया है उसी को हम लोग ये करना चाहते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ से वही कैंडिडेट है, मास्टर मुजाहिद साहब। चलिए, तो ये मैं बरारो एक नंबर वार्ड ऋषिपाड़ा से आपको लोगों से बात करके दिखा रहा था। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए बरारो से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।